इमारत ताजमहल 188 दिन की बंदी के बाद सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन ना देखने वालों की भीड़, ना कोलाहल, ना ही किसी तरह की अफरा तफरी। ताजमहल के कैंपस में सैलानियों की चहल पहल ना के बराबर थी। कोरोना के दौर में ताजमहल को देखने के लिए तमाम एहतियात बरती जा रही है। ताजमहल के कब्र वाले कक्ष में 5 पर्यटकों को जाने की अनुमति है। डिजिटल पेमेंट से पार्किंग टिकट और अन्य भुगतान हो रहे हैं। यही कारण है कि सैलानियों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। गाइडलाइन जो SOP पहले ही जारी किया है उसी का हम लोग पूर्णतः पालन कर रहे हैं। दर्शकों की संख्या जो निश्चित 5,000 तक ही सीमित रहेगी। हमने हैंड सैनिटाइजेशन के अलावा जो है पैरों को सैनिटाइज करने के लिए, शूज़ को सैनिटाइज करने के लिए भी व्यवस्था की है, ताकि जो दर्शक एक लंबे दूर से पैदल चल के आते हैं तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन मॉन्यूमेंट प्रमाइसेस में कैरी ना करें, उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। कुछ जगहों पे हमने अलग से बोर्ड लगाए हैं कि समूह में फोटोग्राफी नहीं होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। बेंचेस पे भी बैठने के लिए हमने अरेंजमेंट किए हैं।